आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामीनिति नामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देशतारे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवत कक्षा में। आप सब भक्त लोग सप्ताह में एक दिन आते हैं, है ना। कुछ भक्त लोग बीच बीच में आते होंगे। तो मैं जस्ट थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा था कि कितने वक्त 16 माला करते हैं यहाँ पे बैठे हुए। थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे। ओके, माताओं की संख्या ज़्यादा है। और 8 राउंड 8 माला कौन करते हैं? ओके, एक माता जी, दो प्रभु जी लोग, नहीं 4 माला। ओके, 2 माला। ओके, 1 राउंड। ओके, वेरी गुड। सो हम लोग श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे आज। तो ये प्रसंग कौन सा प्रसंग चल रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है? तो अभी भगवान कृष्ण ने जितनी भी अपनी सारी लीलाएं की है ना, वृंदावन मथुरा द्वारका, अपनी जो लीला है उसको वाइंड अप करके अभी भगवत धाम वापस जाने का या अपनी लीला ख़त्म करने का भगवान प्लान की इच्छा की है। और उसके लिए क्या किए, भगवान किसके लिए प्रकट होते हैं इस धराधाम पे? भक्तों के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए, है ना। गीता में बताया ना भगवान ने कि परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे। सो दो कारण है, असुरों का विनाश करने के लिए और भक्तों का उद्धार करने के लिए। तो भक्तों का तो उद्धार हो गया, लेकिन जो असुर लोग थे, असुर लोगों का भी उन्होंने कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है उसको पूरा प्लान करके सभी जितने भी पृथ्वी पे जो पृथ्वी का जो भार था, बर्डन था, उसको कम करने के लिए वो कुरुक्षेत्र के मैदान में वो महाभारत युद्ध भगवान ने क्या किया, प्लान किया। और वो महान कार्य किसके थ्रू उन्होंने कंप्लीट करवाया? अर्जुन ने पांडवों के थ्रू, है ना। फिर थोड़ा पानी ले सकते पानी। तो जब महाभारत का युद्ध ख़त्म हो गया, तो महाभारत के युद्ध के बाद काफ़ी सारे जो जितने भी पृथ्वी के राजा थे वो तो उनको तो सब चले गए भगवत धाम, है ना, महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान से। लेकिन उसके अलावा भगवान को बहुत चिंता थी। वो विचार किए कि पृथ्वी का बर्डन तो कम हो गया राजाओं से, लेकिन पृथ्वी में सबसे बड़ा जो बर्डन है, जो पर भगवान को जो चिंता थी, वो किसकी चिंता थी कि ये जो यादवाज है, जो भगवान के जो वंशज थे, वो बड़े ही शक्तिशाली थे। यदुवंश के जितने भी लोग थे ना, वो इतने शक्तिशाली थे कि वो कुछ भी कर सकते थे, और उसका पूरी पृथ्वी पे उनका भय था। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने ये लीला रचाई। और उन्होंने सोचा कि अगर मैं खुद यादवों का वध करूँगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या प्लान किया, उन्होंने इस प्रकार की इच्छा करके लीला प्रस्तुत की। क्या लीला प्रस्तुत की? तो वो 12th canto से शुरू होती है, जब द्वारका की लीला हो जाती है। और सिर्फ इस पृथ्वी पे सबसे शक्तिशाली जब यदुज बचे रहते हैं, तो उनके विनाश के लिए भगवान ही प्लान करते हैं। क्या प्लान होता है, तो उसमें बताएं
कि एक मिनट सॉरी तो इसमें संपूर्ण प्रसंग इस प्रकार से बताया है। ये जो 11th कैंटो है किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते होते हैं कौन भगवान कृष्ण और जितने भी यादवाज हैं। तो जब उनके साथ जब तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं उस तीर्थ क्षेत्र का नाम क्या है पिंडारका। पिंडारका में जाते हैं तो जाते जाते हैं जो उनके जो वंशज होते हैं वो भी साथ में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं तो खेलते रहते हैं। तो खेलते खेलते वो क्या करते हैं यदूज जो है ना पेट के अंदर कुछ कपड़े भरते हैं जैसे गर्भवती स्त्री होती है ना उसकी तरह, और हंसी मजाक करते करते कुछ ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग जाते रहते हैं। तो जाते जाते वो मजाक करते हैं ब्राह्मणों के साथ। क्या मजाक करते हैं कि ये इसके पेट में जो बच्चा है वो कितने साल का है कुछ, ए ब्राह्मण देव जरा बता सकते हो, इस तरह से कुछ मजाक किया उनके साथ। तो ब्राह्मणों को बड़ा ही क्रोध आया हाँ, और क्रोध की वश में उन्होंने क्या किया ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। बोले इसमें जो है ना क्रोध में बोले इसमें मुसल है और ये मुसल पूरे तुम्हारे यदुवंश का जो है विनाश करेगा। ये श्राप देके गए, वो बड़े भयभीत हो गए और जैसे ही वो कपड़े थे वो निकाले तो निकालते उसमें से क्या निकल आया मुसल निकल गया। और ये सारा वृत्तांत जाके महाराज उग्रसेन को बताया जो यदुवंश के कौन थे राजा थे। अब भयभीत हो गए तो इस भय के कारण जो है उन्होंने सोचा कि इस मुसल का क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसका जो है ना पूरा स्मैश करते इसको एकदम पाउडर बना देते ताकि यदुवंश का क्या नहीं होगा विनाश ही नहीं होगा। और उसको कहाँ जाके फेंक दिया समुंदर में जाके फेंक दिया। लेकिन उसके बाद भी घटना क्या हुई कि वो एक मछली ने खाया और मछली से वो मुसल निकल आया और फिर जो यदुवंश का विनाश का कारण हुआ। तो ये प्रसंग इस अध्याय में है। तो इसी प्रसंग को लेके परीक्षित महाराज बता रहे हैं सॉरी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। तो बताते बताते ये हम लोग छठा श्लोक में आए हैं। तो इसमें भगवान के बारे में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा इज द रिजर्वेयर ऑफ ऑल ब्यूटी, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स इमेनेट फ्रॉम हिम एंड हिज पर्सनल फॉर्म इज सो अट्रैक्टिव दैट ही इज। तो इसमें भगवान की सुंदरता के बारे में बताया और फिर आगे क्या बताया कि भगवान के चरण कमल बड़े जो ही अट्रैक्टिव होते हैं और भगवान के जो शरीर की जो कांति है वो उसके प्रति जो सबका आकर्षण बढ़ता है और जो भगवान ने जो लीलाएं की है उसका जब कोई गुणगान करता है सुनता है तो वो इस संसार से क्या हो सकता है मुक्त हो सकता है लिबरेट हो सकता है कि नहीं। तो भगवान के कार्यकलाप जो है इतने जो है दिव्य है। तो इस परपट में प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं इन्होंने बताया है कि जो लोग भौतिक जो आनंद लेते हैं वो कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। एक्चुअल में हमारा जो स्वरूप है वो अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। भगवद गीता जो आध्यात्मिक जीवन का जो ज्ञान प्राप्त करने का जो बेसिक जो नॉलेज है भगवद गीता उसकी शुरुआत ही भगवान ने कैसे की कि वी आर नॉट दिस बॉडी वी आर अ स्पिरिट सोल। लेकिन हम सब लोग जो अपना जीवन जो हम बिता रहे हैं ना कभी भी हम ये विचार करके कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि ये जो है एक जीवात्मा है हाँ ये स्त्री है पुरुष है कोई कीट है पेड़ है उनको कभी भी हम एक आत्मा के रूप में व्यवहार नहीं करते हैं। और ये जब तक हम अपने अपनी चेतना में कभी हम ये विकास नहीं करेंगे हम कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते, आध्यात्मिक आनंद कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है
भगवान ने जो गीता की शुरुआत की ना कि हम ये शरीर नहीं आत्मा हैं, तो आत्मा के लक्षण बताए, आत्मा के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन बताया है। क्या बताया? कि आत्मा जो है भगवान का शाश्वत क्या है, हंस है, सेवक है। उसकी जो शाश्वत जो स्थिति है वो है भगवान की सेवा करना। और देखिए आप जनरल भी ऐसा समझने के लिए आप देख सकते हैं, हम सबके जीवन में चाहे माताएं हो चाहे प्रभु जी हो, हम सब लोग सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? किसी ना किसी प्रकार की सेवा में हम लोग व्यस्त है। ऐसे कोई भी माता या प्रभु जी नहीं कह सकते कि मैं सेवा नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं कर रही हूँ। हर कोई सेवा में व्यस्त है, लेकिन कोई देश की सेवा में है, कोई समाज की सेवा में है, कोई माता पिता की सेवा में है, कोई जॉब कर रहा है तो बॉस की नौकरी कर रहा है, कंपनी वाला का नौकर बना हुआ है वो, हाँ। कोई भगवान की सेवा में लगा हुआ है, कोई गौ माता की सेवा में लगा हुआ है, हाँ। कोई सुबह सुबह कुत्ते की सेवा करते हैं जाके। तो सेवा करना हमारा धर्म है। क्या है? धर्म है। वो धर्म हम कभी भी त्याग नहीं सकते हैं। तो हमारे पास चॉइस क्या है? तीसरी चॉइस नहीं है, हमें या तो भगवान की सेवा करनी है या फिर भगवान आपको माया में डाल के माया की सेवा करवाएंगे। तीसरा ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हैं? मतलब हम भगवान को चीट नहीं कर सकते हैं। भगवान को जो करना है और जो करवाना है वो करेंगे ही करेंगे। दैट्स वाई ही इज भगवान, ही इज अ कंट्रोलर, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन हमारा स्थिति ऐसा है कि हम भी भगवान के अंश हैं। तो अंश जब सबऑर्डिनेट बन के दास बन के, दास की भावना में जब भगवान की जो इच्छा है, भगवान जो चाहते हैं, वो उस इच्छा को पूर्ति के लिए जब हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, तब हम हमेशा के लिए क्या हो सकते हैं? सुखी हो सकते हैं। लेकिन इस संसार में हम चाहे हमें कितने भी दुख कष्ट मिले, है ना, अब जो गृहस्थ आश्रम में है या बाहर नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस कर रहा है, हाँ, कोई नौकरी कुछ भी कर रहा हो, उन सबको अनुभव है अपना कि जहाँ कहीं भी वो सेवा करते हैं उसमें उनको कितना कष्ट मिलता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि मटेरियल जो हैप्पीनेस है वो हमें कभी भी सुखी नहीं कर सकता है। अध्यात्म से जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, आध्यात्मिक विषय वस्तु से, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो इसकी जैसे बताया एग्जाम्पल के भी बताया, यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताया, हाँ, कि जैसे प्रभुपाद हमेशा इस एग्जाम्पल को कोट करते हैं कि अपने हाथ को अगर संतुष्ट करना है ना, या पैर को संतुष्ट करना है, अपने सर को संतुष्ट करना है, माइंड को सेटिस्फाइड रखना है, हाँ, या शरीर को पूरी तरह से संतुष्ट रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेट को संतुष्ट करना पड़ेगा। जब पेट में हम खाना डालते हैं तो हमारा शरीर क्या हो जाता है? अपने आप संतुष्ट हो जाता है। ये छोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है और लोग यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ जाके क्या क्या चीज़ें ढूंढते रहते हैं। लेकिन ये आनंद कैसे मिलता है? तो इसलिए भगवान इस संसार में आते हैं हमें आकर्षित करने के लिए समय समय पर। कब आते हैं? वो शास्त्रों में बताया कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण कम से कम एक बार आते हैं, लेकिन और जो भी वो कार्यकलाप करते हैं, जो भी लीलाएं करते हैं, वो उससे हम क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं बहुत। इसलिए इस श्लोक के ट्रांसलेशन में ही बताया कि भगवान की जो सुंदरता है ये सबको आकर्षित करती है। जब भगवान कृष्ण इस धराधाम में थे तो उनकी नकल कितने लोग करते थे? एक तो उनकी नकल करने के लिए क्या नाम था उनका, तो भगवान की जो है एकदम सुदर्शन धारण करके जो है, हाँ, पौंड्रक, पौंड्रक, वो कृष्ण के प्रति बहुत आकर्षित था लेकिन वो शरणागत नहीं होना चाह रहा था। हम भी ऐसे ही हैं, हाँ, क्योंकि कृष्ण जो है सर्वाकर्षक है,
भगवान वामन देव जब प्रकट हुए थे तो असुरों के सामने जब आए थे तो असुरों की जो माता थी वो इतनी आकर्षित हो गई थी, अरे ये कितना सुंदर बालक है, कहाँ से मेरा पुत्र होता, है ना, ऐसी सोची। किसके प्रति आकर्षित हुई? भगवान वामन देव के प्रति। वैसे ही जब भगवान राम जब वनवास में थे तो उस समय रावण की जो बहन थी उसका नाक काट दिया था, तो उन्होंने एक असुर को भेजा था, वो उनके भाई थे, कौन थे मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो भगवान राम को अरेस्ट करने के लिए आए थे और सबको घेर लिए। तो देखिए बोले मार दो सबको, सबको अरेस्ट करो, सबको हम जेल में बंदी करेंगे, हाँ लंकेश्वर के पास लेके जाएंगे, ऐसे जैसे ही सोचा। और फिर गए भगवान राम को देखे, और जैसे ही देखे भगवान राम को बोले रुको 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 रुको, बोले क्या हो गया, बोले ये बहुत सुंदर लग रही है, बोले इसको इसको मारना मत, इसको बंदी बना लो, बंदी बना लो, क्या करेंगे इसका बंदी बना के, बोले मार देते इसको, अरे नहीं ये बहुत सुंदर है, इसको रोज देखेंगे हम। वो भगवान राम के प्रति क्या हो गए? आकर्षित हो गए। तो भगवान की सुंदरता ऐसी है, राधा रानी कहती है भगवान कृष्ण के लिए भगवान की सुंदरता के बारे में कि कृष्ण तुम जो है आईने में जाके अपने आप को कभी मत देखना, क्योंकि आप अगर अपनी सुंदरता को देखोगे तो तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे, है ना, कौन बोलती है? राधा रानी कहती है। तो भगवान की सुंदरता ऐसी है, तो इसे इस प्रकार से भगवान सबको आकर्षित करते हैं, सबको आकर्षित करते हैं, जितने भी अवतार लेते हैं भगवान प्रत्येक अवतार में वो इस भौतिक संसार में आते ही हमें आकर्षित कराने के लिए, और वो जो भी लीलाएं करते हैं जो भी कार्यकलाप करते हैं वो सारे आध्यात्मिक होते हैं। जैसे ही हम इस भौतिक संसार में किसी राजकारणी लोगों का, सांसारिक लोगों का, या एक दूसरे के हमारे अपने बारे में किसी का चर्चा करते तो उससे हमारे हृदय में कलमश भरता है और हमारी चेतना जड़ हो जाती है, हाँ कुछ आनंद नहीं मिलता है। लेकिन जैसे हम भगवान के बारे में चर्चा करने लगते हैं, सुनते हैं, तो हमें आनंद आता है कि भगवान कितने महान हैं, कितने सुंदर हैं, कितने बलशाली हैं, कितने वैरागी हैं, कितने त्यागी हैं, हाँ कितने कृपालु है, कितने दयालु है, ना? तो वो जब उनके पाश्चात्य के बारे में हम सुनते हैं तब हमें पता चलता है कि नहीं। तो ऐसे भगवान के जो पास्ट टाइम्स हैं वो जब तक हमें रुचि नहीं उत्पन्न होती है तब तक जो है इस भौतिक संसार से हम क्या नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन ऐसे भगवान के प्रति हमारा जो आकर्षण है, हम क्यों आकर्षित नहीं हो पाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों? क्योंकि इस जो ये जो भौतिक संसार है, ये भौतिक संसार तीनों गुणों से जो है भरा पड़ा है। कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और प्रत्येक जीव जो है इस तीनों गुणों में कार्य करता है, जो कुछ भी कार्य करता है सुबह से लेकर रात तक हम जितने भी कार्य करते हैं। तो भक्ति भी ऐसी ही है, जब हम भक्ति में भी आते हैं और भक्ति शुरू करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं, तो भक्ति भी जो है ना तीन गुणों के अंडर में करते हैं। तो भगवान कपिल ने थर्ड कैंटो में बहुत सुंदर बताया, भक्ति की व्याख्या की है, और उसमें गुणों के अनुसार भक्ति को बताया। क्या बताया है कि तीन प्रकार की जो है लोग गुणों के अनुसार भक्ति करते हैं, हाँ जो रजोगुण में होते हैं रजोगुणी भक्ति करते हैं, जो तमोगुण में होते हैं वो तमोगुणी भक्ति करते हैं, और जो सतोगुण में होते हैं वो सतोगुणी भक्ति करते हैं। तो क्या होती है तमोगुणी भक्ति, कैसी होती है रजोगुणी भक्ति, कैसी होती है और सतोगुणी भक्ति कैसी होती है? पहले तो हम शुद्ध भक्ति को समझते हैं। शुद्ध भक्ति क्या है? तो शुद्ध भक्ति की जो व्याख्या की है रूप गोस्वामी जी ने, रूप गोस्वामी पाद बताते हैं, क्या बताते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात अनावृतम,
अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति क्या है? क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम। हमारी जो भी अभिलाषा है, जो भी इच्छा है, जो भी आकांक्षा है, वो क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। मतलब कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? जो भगवान की इच्छा है वही हमारी इच्छा होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए ये जो गुणों के अंडर में जो भक्ति करते हैं हम लोग, सत्वगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में, तो तमोगुणी भक्ति भगवान कपिल भागवतम के तीसरे स्कंद में बताते हैं कि तमोगुणी भक्त कैसे होते हैं। जो भक्ति तमोगुणी भक्ति करते हैं वो किस प्रकार के भक्त होते हैं और कैसी भक्ति करते हैं? जो भक्ति भी करते भगवान की सेवा भी करते हैं लेकिन क्रोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे भक्तों के साथ भी, बाहर के लोगों के साथ भी, द्वेष करेंगे, द्वेष की भावना रखेंगे। जैसे भक्ति करते करते मान लो कोई अपने मन की तरह नहीं हुआ, मन को कुछ अच्छी चीज़ नहीं लगी, हाँ, अरे प्रभु जी क्या कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे करते हैं क्या, हाँ, उनको अच्छा नहीं लगेगा, तुरंत तो गुस्सा हो जाएंगे सेवा करते करते, है ना। या फिर भक्ति में कोई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा होगा, उसे ईर्ष्या करेंगे, ये भक्त कितना आगे पहुँच रहा है, हाँ। तो ये किसके लक्षण है? ये तमोगुणी भक्ति के लक्षण है ना। इसलिए कभी भी जो है जब हम भक्तों के बीच में रहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों के गुणों को देखना चाहिए। बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कि आध्यात्मिक जीवन में जितने भी साधक के हृदय में जो अनर्थज होते हैं या इस संसार में जो दोष है लोगों के अंदर, सभी जीवों के अंदर, उसका एकमात्र कारण बताते हैं। क्या कारण बताते हैं बताएं? बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बताते हैं? कि जो द्वेष की जो भावना है, क्या है? द्वेष की भावना। ये द्वेष की भावना सारे अनर्थों की जड़ है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी जीवात्मा के प्रति भी द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति के प्रति, जीव के प्रति अगर द्वेष की भावना उत्पन्न होती है तो तुरंत अलर्ट होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उस व्यक्ति का गुणगान करना चाहिए, हाँ, उसके गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए, है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इसका अभ्यास करना चाहिए भक्ति में, कि जो भी हमारे अंदर जो भी क्लेश आते हैं, दोष आते हैं, उन दोषों को एनालाइज करके हमें कॉन्शियसली हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे भक्तों के बीच में भी रहते हैं, हाँ, कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती तो तुरंत क्षमा याचना कर देना चाहिए, या फिर किसी से ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है, तो हमें पता जब चलता है कि नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? उस भक्त का गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य जीवन हम लोगों को मिला है दो चीज़ के लिए। किसके लिए? एक भगवान का गुणगान करने के लिए और दूसरा गुरु और वैष्णव का, भक्तों का गुणगान करने के लिए। ये दो चीज़ें जिस दिन हमने सीख लिया ना भक्ति में, उस दिन आप लोग भक्ति में सफल हो जाओगे, जीवन सफल हो जाएगा। आध्यात्मिक जीवन में होता क्या है? आध्यात्मिक संसार में जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं वहाँ क्या करते हैं वो लोग? वो दिन रात, क्योंकि वहाँ तो सोते नहीं हैं वो, तो वहाँ पे तो भगवान की सेवा में नित्य आनंद लेते रहते हैं। वहाँ पे भक्त भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान किसका गुणगान करते हैं? भक्तों का गुणगान करते हैं। होड़ लगी रहती है उनमें कि हम कैसे राधा रानी का गुणगान करें, राधा रानी के यश को फैलाए, कृष्ण के यश को फैलाए। भक्त लोग इस चेतना में रहते हैं, वही करते रहते हैं। अभी प्रभुपाद जी आए इस भौतिक संसार में हम सबका उद्धार करने के लिए, भगवान कृष्ण ने भेजा, उन्होंने क्या किया? भगवान कृष्ण की और राधा रानी की महिमाओं को पूरे पृथ्वी में फैला दी, हाँ। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने प्रभुपाद जी की जो ग्लोरीज है, उनकी जो महिमा है, उनका जो डिवोशन है, उनकी जो भक्ति है, उनका जो समर्पण है, उनका जो त्याग है, उनका जो गुण है, प्रभुपाद जी का गुणगान किया भगवान ने।
और अकेले भेजा। चाहते तो देखिए, इसके पहले भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी हैं, प्रभुपाद जी आए, और गुरु परंपरा में बहुत सारे आचार्य हैं, लेकिन ये क्रेडिट सबको नहीं दिया। ये क्रेडिट किसको दिया? प्रभुपाद जी को दिया। और प्रभुपाद जी अकेले जाके अमेरिका में स्ट्रगल किए, वहाँ पे मलेच्छ यवनों को कीर्तन करके पार्क में बैठ के अकेले उनको भागवत का संदेश दिया। तो क्या किया प्रभुपाद जी ने? प्रभुपाद जी का फेथ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सफल इसलिए हुआ हूँ क्योंकि मेरी दो योग्यता थी। क्या योग्यता थी? कि मेरा हरि नाम में पूर्ण विश्वास और गुरु के प्रति जो है मेरा पूर्ण समर्पण था, है कि नहीं। तो गुरु के प्रति अगर हमारा अगर पूर्ण समर्पण होता है, हाँ, और भगवान का जो संदेश है श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, हरि नाम या आध्यात्मिक जितने भी हम कार्यकलाप करते हैं, उसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें करना चाहिए, तब उसका हमें क्या होता है, पूर्ण बेनिफिट मिलता है ना। नहीं तो देखिए, भक्ति बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन वही जो मैं बता रहा हूँ, कोई तमोगुण में भक्ति करता है, कोई रजोगुण में करता है, हाँ, तो रजोगुणी भक्ति क्या है फिर? रजोगुणी भक्ति में व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वार्थ के लिए जो उसको अच्छा लगता है वही वो करेगा, है कि नहीं। मतलब भक्ति तो करेगा, लेकिन उस सेवा में अपना स्वार्थ जुड़ेगा, ढूंढेगा वो मेरे को क्या अच्छा लगता है करना। जैसे मान लो कोई कीर्तन करता है, तो कीर्तन करेगा, खूब बढ़िया से गाएगा, देखे कितने लोग खुश हो रहे, कितने सुन रहे हैं, हाँ, या प्रवचन देगा तो प्रवचन में देखेगा, हाँ, कितने लोग इम्प्रेस हुए, हाँ, पुजारी आरती करेगा, वर्शिप करेगा, तो उसमें भी देखेगा कितने बढ़िया से घुमाएगा, अकेले रहेगा तो उतना नहीं। तो इसमें मतलब क्या है, हमारे अंदर वो टेंडेंसी है दिखावे की, सेंस ग्रेटिफिकेशन की। ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन भी छोड़ते हैं हम लोग भक्ति में आके, लेकिन सटल में, सूक्ष्म रूप में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये जो दिखावे की जो भावना होती है ना भक्ति में, हाँ, ये बड़ी खतरनाक होती है और ये जाती नहीं है, हाँ। और इसलिए आपने देखा होगा आध्यात्मिक जीवन में भी हम लोग इतना प्रचार करते हैं, इतनी सेवाएं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में, हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो इसलिए श्रवण कीर्तन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो क्या करना चाहिए, मनन करना चाहिए श्रवण कीर्तन करके। जैसे जो हम पढ़ते हैं, मान लो आपने एक घंटा पढ़ लिया, दो घंटा पढ़ लिया, तो उसका चिंतन करो, मनन करो को उसको अपने जीवन में कैसे उतारना है। देखिए, शास्त्र बहुत लोग पढ़ते हैं, भक्ति बहुत लोग करते हैं, हरि नाम भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसको जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते, अप्लीकेशन नहीं करते। तो अप्लीकेशन का परसेंटेज कितना है और पढ़ने का, सुनने का परसेंटेज कितना है, आप देख सकते हैं हमारे जीवन में। हम पढ़ते हैं पढ़ने के लिए, सुनते हैं सुनने के लिए, लेकिन उसका एप्लीकेशन जीरो है। सो इसलिए हमें इस भौतिक संसार में हम जो चीज़ें देखते हैं, जो सुनते हैं, तो सुनने के बाद देखिए, हमारी हर चीज़ के प्रति देखने की जो दृष्टि है ना, वो भौतिक दृष्टि है, इसलिए हमारी चेतना भी भौतिक है। हम कभी कभी आध्यात्मिक चेतना में रहते हैं। तो हमेशा अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में अगर रहना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको आध्यात्म का जो विषय है, जो ज्ञान है, आध्यात्मिक नॉलेज है, जो प्राप्त करता है, उसका अभ्यास करना पड़ेगा उसको, है ना। ज्ञान को विज्ञान में तब परिवर्तन होता है जब उसका अप्लीकेशन करते हैं अपने जीवन में। एक थियोरेटिकल नॉलेज हमने भगवतम पढ़ लिया, गीता पढ़ लिया, है ना, और दूसरा उसको अप्लाई किया अपने जीवन में, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसलिए कभी देखेंगे कुछ भक्त लोग ट्रिमेंडस चेंज आता है उनके भक्ति में, और बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं, और वो देख पाते हैं अपने मन की स्थिति क्या है, इंटेलिजेंस बुद्धि की स्थिति क्या है, हाँ, अपने हृदय में क्या गंदगी है, वो दिखती है उनको, क्योंकि उनका हृदय शुद्ध होता है।
क्योंकि वो बताते भगवद गीता में एक परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस भौतिक संसार में जितने भी जीवात्माएं फंसे हुए हैं इसके पीछे कारण क्या है पता है? इच्छा। क्या है? इच्छा। इच्छा के वजह से हम इस संसार में फंसे हुए हैं और इच्छा करके इस संसार से क्या हो सकते हैं? हम भगवत धाम जा सकते हैं, कृष्ण के पास जा सकते हैं। तो हमेशा आप जो भक्तिमय जीवन जी रहे हैं, जो भी कार्यकलाप कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, देखिए उसके पीछे इंटेंशन क्या है। इसलिए जो शुद्ध भक्ति की जो व्याख्या की है रूप गोस्वामी पाद ने, उसमें क्या बताए? अन्नाभिलाषिता शून्यम। क्या बताए? तो कोई भी अभिलाषा अगर अगर हम नहीं रखेंगे, और किसकी अभिलाषा रखेंगे? जो भगवान चाहते हैं। भगवान क्या चाहते हैं तो ये किसे पता चलेगा? शास्त्र से और गुरु से। गुरु बताएंगे। शास्त्रों में भी बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन वो चीज़ भगवान की इच्छा क्या है, क्योंकि ये गुरु से सेल्फ रियलाइज डिवोटी होते हैं। तो क्या साक्षात्कार करना है वो उनके गुरु के माध्यम से उनको प्राप्त होता है और वो शिष्य को प्रदान करते हैं। तो गुरु जो भी हम भक्ति करते हैं वो किनके गाइडेंस में करना चाहिए? गुरु के मार्गदर्शन में। कोई भी हम साधना करते सेवा करते हैं अगर वो इंडिपेंडेंटली करते हैं बिना मार्गदर्शन के तो वो भक्ति नहीं है, वो क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य अगर आप पढ़ेंगे, भागवतम पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं डिवोशनल सर्विस शुड बी डन इन द गाइडेंस ऑफ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर, नॉट अ स्पिरिचुअल मास्टर, है ना। तो इसलिए गुरु का आश्रय लेना, उनसे मार्गदर्शन लेना। हमारे भक्तों की इंतजार कर रहे हैं मेरा, तो अभी मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। अभी चर्चा करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत कुछ बताना चाह रहा था। तो मैं हमारे भक्त लोग जाने के लिए प्रभु जी बारम्बार ये कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। तो जो भी मेरे से हो पाया, अभी बहुत सारी और चीज़ें बतानी थी लेकिन समय के अभाव की वजह से मैं पूरी चीज़ें कवर नहीं कर पा रहा हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। यहाँ पे मैं विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यहाँ से जुड़े रहिए इस आंदोलन के साथ। यह आंदोलन जो है सबसे शक्तिशाली आंदोलन है और इस कलयुग में आप लोग प्रभुपाद जी की जिस शरण में हों, कुछ समय के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को कितना बड़ा कृपा हुआ है ना। क्योंकि भक्ति जो साधारण नहीं है, बताते हैं कि जो हरि नाम का जप करता है उसने सारे यज्ञ, सारे दान, सारे जितने भी कर्मकांड है सब कुछ कर लिया है। और भक्ति इज़ अ टॉप मोस्ट, है कि नहीं? तो वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिला है। तो ये भक्त भगवान का नाम रोज हृदय से लीजिए, भगवान को हृदय से पुकारिए, है ना, और गाइडेंस में रखिए। इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को त्यागिए और सेवा का भाव विकसित कीजिए। जब भी मंदिर आते हैं सेवा कीजिए, है ना। आइए पूछिए प्रभु जी से कि क्या सेवा हम कर सकते हैं। क्या प्रचार कीजिए, आप लोगों को जो मिला है वो दूसरों को भी दीजिए और लोगों को यहाँ पर जोड़िए, ठीक है। मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। किसी के कोई प्रश्न है? एक या दो प्रश्न लेंगे। यस प्रभु जी। यस प्रभु। तो देखिए, जो भगवान जैसे गुरु जैसे भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो इस्कॉन में भी जितने भी गुरुवर्ग हैं उन्होंने अपने अपने प्रतिनिधि रखे हैं, है ना। वो जो प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं वो जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से आती है ना उसको एज इट इज़ पालन करते हैं, उसमें कुछ मिक्स नहीं करते। तो जो 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 प्रामाणिक जो शिष्य होते हैं वो क्या करते हैं? गुरु से जो आदेश प्राप्त होता है उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। उसमें ये नहीं सोचते कि नहीं गुरु जी ने ऐसे बताया था, नहीं ऐसे हो सकता है, नहीं। उसको तो ऐसे व्यक्ति का हमें शरण लेना है।
उसके हमें देखना है कि जो भक्ति में इसमें बताया परपट में वी शुड टेक और हियर टू फ्रॉम दोज हु आर वेरी सिंसियर इन स्पिरिचुअल लाइफ, इसमें परपट में बताया है। तो हमें जो गंभीर भक्त ऐसे भक्तों का संग करना है और उनसे सुनना है, और वो आपके जो गुरु परंपरा से जो जुड़े हुए हैं तो वो अगर आप उनके साथ अगर कनेक्ट रहेंगे तो उनको ऊपर से जो मिलने वाली चीज़ें एज इट इज प्राप्त होगी, है ना। तो जैसे जयप्रताप स्वामी महाराज हैं, उनके शिष्य यहाँ पे हैं, उन्होंने कुछ आदेश प्राप्त किया है सेवा के लिए, तो वही सेवा यहाँ पे चल रही है, अलग से कुछ नहीं कर रहे। तो आप भी अगर उनके आदेश का पालन करेंगे तो वो भी क्या कहें, आपके गुरु का ही आदेश है ना। गुरु कोई अलग से नहीं चाहते हैं, गुरु खुश होते हैं जब हम उनके प्रतिनिधि का एज इट इज पालन करते हैं, समझ रहे, ठीक है। यस प्रभु जी, लास्ट वन जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। क्या क्या धर्म में और कर्तव्य में क्या अंतर है? जी जी गुरु के पास द्वेष नहीं होता है। सबसे पहले तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। गुरु जो होते हैं वो भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं और सभी चीज़ों से वो परी होते हैं, और इसलिए शास्त्र में बताया है कि गुरु को एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं समझना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है। दूसरी बात, आपका दूसरा प्रश्न क्या था कि कर्तव्य में और धर्म के में क्या अंतर है, है ना। तो एक व्यक्ति का उनके उसके उसके एज के अनुसार या उसके रिलेशनशिप के अनुसार अलग अलग टाइम पे अलग अलग कर्तव्य हो सकते हैं, लेकिन धर्म सबका एक ही है। भौतिक संसार में जितने भी हम जो सब लोग जीवात्मा जिसे बताते हैं, धर्म की व्याख्या बताते हैं प्रभुपाद जी, धर्म का अर्थ बताते हैं। धर्म ये कोई हिंदू धर्म, सिख, ईसाई, क्रिश्चन, ये कोई धर्म नहीं है, ये तो नाम दिए गए हैं, है ना। जिनके जो फॉलोअर बने उसको नाम दिया गया है, जैसे जो जिसको फॉलो करता है उसका नाम देके उसको धर्म बताते हैं। तो वास्तविक धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा प्रभुपाद जी बताते हैं, द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जो भगवान से प्राप्त जो आदेश है वो वास्तविक धर्म है। तो भगवान के द्वारा जो इंस्ट्रक्शन हमें मिलते हैं उसका अगर हम पालन करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, धर्म का पालन कर रहे हैं। तो सबके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन हो सकती है अलग अलग स्तर पे, तो उस धर्म का पालन हम कर सकते हैं। कर्तव्य क्या होते हैं, कर्तव्य जब हम परिवार में रहते हैं तो पत्नी के प्रति आपका एक अलग कर्तव्य है, बच्चों के प्रति आपका अलग कर्तव्य है, माता पिता के प्रति आपका अलग कर्तव्य है, वो ड्यूटीज़ है, तो वो भी करनी है, समझ रहे। समाज के प्रति, देश के प्रति, भक्तों के प्रति क्या आपके कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य धर्म में दोनों में ये अंतर है, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। यस प्रभु, माताओं में से कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? नहीं, क्लियर है, माताओं को सब क्लियर है। प्रामाणिक गुरु थे, उनको कर्ण को क्यों नहीं दिया, क्या कारण है, कौन बताएगा, किसको पता है? हाँ, और वो झूठ बोले, ब्राह्मण कभी भी झूठ नहीं बोलता है, इसलिए उनको नहीं दिए, सबको दिए विद्या, समझ रहे हैं। तो आचार्य लोग होते हैं ना, वो जानते हैं कौन कैसे है, वो आप सामने से अगर बताएंगे भी ना तो
तो भी आप किसी के आचार्य के सामने जाना आपको स्कैन कर देंगे, आपको पता नहीं होता है, आप कुछ छुपा नहीं सकते हो। आचार्य के पास अगर जाते हैं हम मिलने के लिए तो वो जान दे जाते हैं आपकी चेतना क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, क्योंकि इस संसार से मुक्त होते हैं वो, उसके अनुसार आपको सेवा में लगाते हैं जिसकी जैसी चेतना होती है। समझ रहे? ठीक है, ओके। यस प्रभु जी, हाँ, हरि नाम भगवान सब हर लेते हैं, हाँ, हमारी चेतना को हरते हैं वो, हमें इस संसार से मुक्त करते हैं और हमारे अनर्थ, जब जो व्यक्ति भी उनसे जुड़ जाता है उसका सब कुछ ले लेते हो, उसका घर बार छुड़वा देते हैं, मुंडन करवा लेते हैं, हाँ, उसको सन्यासी बना देते हैं, गृहस्थाश्रम को भी त्यागवा देते हैं, संसार को भी त्याग करवा देते हैं, हाँ, वो हर लेते हैं सब कुछ, इसलिए उसका एक नाम क्या है, हरि। ठीक है, हाँ, हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद्भागवतम की, श्रील रूपाद की।